नमस्कार आदाब, द पॉलिटिक्स लाइव में आपका स्वागत है। बात हम राजनीति की ही कर रहे हैं क्योंकि जनरल इलेक्शन देश में होने वाले हैं और जनरल इलेक्शन से पहले एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिज़ाइन कर दिया है। अरुण गोयल ने क्यों रिज़ाइन किया है इसके पीछे वजह नहीं बताई गई, लेकिन पर्सनल रीजंस बताए गए हैं। हालांकि विपक्ष हमलावर है, विपक्ष कह रहा है कि इसमें कोई ना कोई बात है, रहस्य की बात है जिसकी वजह से चुनाव आयुक्त ने अपना पद छोड़ा है, जबकि उनका कार्यकाल अभी 2027 तक था, वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या डिफरेंसेस थे। बंगाल के नेता टीएमसी के कह रहे हैं कि बंगाल में जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है उसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बीच कुछ ना कुछ तकरार हुई है, क्योंकि बंगाल से लौटने के बाद ही अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। लेकिन सबके बीच राजनीतिक आवाजाही पे भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज एक जो बड़ी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हिसार से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं बृजेंद्र सिंह, जो पहले आईएएस ऑफिसर भी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जाकर। तो जाहिर सी बात है बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि कांग्रेस से लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, बीजेपी से पहली बार कांग्रेस की तरफ कोई व्यक्ति आया है इन चुनाव के दौरान। इस बीच कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं कि कौन कौन कांग्रेस का नेता बीजेपी में जा रहा। सुरेश पचौरी जो कभी कांग्रेस के बड़े फेस थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। एमओएस पर्सनल जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है केंद्र सरकार में, उसके मंत्री होने के बाद यूपीए सरकार में और फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के, वॉलंटरली गए थे स्टेट पॉलिटिक्स में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस को एक कह सकते हैं कि नैतिक बल मिला है एक मौजूदा सांसद के आने से, क्योंकि हरियाणा में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माकूल अभी वहाँ चुनाव माहौल नहीं है, और बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में अलायंस है और एक सीट यानी कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहाँ पे कद्दावर नेता है, और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने चुनाव जो प्रतिकूल माहौल है उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनसे कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि वो कम से कम आधे से ज़्यादा सीट के कांग्रेस की झोली में देंगे, और जिसकी वजह से कांग्रेस की तादाद या टैली यहाँ केंद्र में एमपीओं की बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनको पार्टी में शामिल कराया है, तो ये सब भी दौर चल रहा है। तो कांग्रेस के लिए सबसे दिक्कत यह है कि पिछली बार के 2019 के अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो राजस्थान में 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे। गुजरात के बाद पहला एक ऐसा स्टेट है जहां पे विपक्ष का खाता नहीं खुला है। तो अब राजनीतिक आवाजाही का दौर चल रहा है, लेकिन एक निगाह बृजभूषण सिंह पर भी करते हैं। बृजभूषण सिंह के टिकट को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी में उहापोह है। कैसरगंज में उनकी पत्नी को, जो पूर्व में सांसद रह चुकी केतकी सिंह 1996 में, क्या उनको टिकट मिलेगा या पार्टी किसी और पर विचार कर रही है, ये एक बड़ा सवाल अभी कैसरगंज के लोगों के सामने। खासकर बृजभूषण के जो समर्थक हैं वो बहुत मायूस चल रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि बृजभूषण का नाम पहली लिस्ट में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पार्टी में उनका जो दबदबा था वो शायद कम हुआ है, जिसकी वजह से। और इन सब के पीछे पहलवानों का स्ट्राइक है, क्योंकि भारत उनके जीतने की क्षमता पर पार्टी को कोई शक नहीं है, बल्कि पहलवानों और खाली खासकर जाट बिरादरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी मोल नहीं लेना चाहती है। धन्यवाद, फीडबैक का इंतजार रहेगा।